यार मेरी बात तू समझता क्यों नहीं? बस एक बार ये लाल बेगम मुझे मिल जाए ना, फिर देख अपना काम खलास। और सुना? नहीं यार, मैं उसकी तलाश में हूँ, लेकिन ये लाल बेगम है कौन? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब करना क्या है? धंधा तो करना पड़ेगा, बस आगे आगे देख होता है क्या। पता करना पड़ेगा ये लाल बेगम कौन है। अरे भाई सुना, ठीक है फोन रखो, मैं बाद में बात करता हूँ। कौन हो आप, किसका काम है आपको? मेरी बात छोड़, और तू ये बता अभी तू लाल बेगम के बारे में क्या बात कर रहा था? आप जानती है लाल बेगम को? अरे उसको कौन नहीं जानता, लेकिन वो बात छोड़, अभी तू लाल बेगम के बारे में क्या बात कर रहा था वो बता मुझे। तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, क्या बड़ी डील की बात चल रही थी? हाँ, लाल बेगम के पास एक बहुत बड़ा डायमंड है और उसकी कीमत 5 करोड़ रुपये है। 5 करोड़? क्या 5 करोड़? कुछ करना पड़ेगा। तो तुमने कभी वो लाल बेगम को देखा है? मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मैं आज ही उसकी गैंग में शामिल होने जा रहा हूँ। अच्छा, वो इस इलाके की सबसे बड़ी डॉन है, सबसे बड़ी। अच्छा, तू उसकी गैंग में शामिल होने जा रहा है और तूने उसको कभी देखा नहीं है? नहीं, लेकिन तुमने देखा है? क्या हुआ? अरे बुद्धू, समंदर में पड़ा है और मगरमच्छ से अनजान है। आप कहना क्या चाहते हो? अरे बुद्धू, वो लाल बेगम मैं हूँ। मैडम आप लाल बेगम है? मैडम प्लीज, मैडम प्लीज छोड़, अरे छोड़, अरे कपड़े निकालेगा क्या, ये साड़ी उतारेगा? नहीं नहीं मैडम, मैडम प्लीज मुझे आपकी गैंग में शामिल कर दो। मैं आप जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरी गैंग में शामिल होना है? ऐसे ही शामिल नहीं हो सकता तू। मेरी गैंग में शामिल होना है ना तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुझे मालूम नहीं है, ये है ना, मैं ये मैडम बनी ना, ये कितना संघर्ष किया, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, खुद के पति को बिना पते का कर दिया, अब जाके मैं मैडम बनी हूँ। हाँ मैडम, मैडम बोलो यार, मुझे क्या करना होगा, क्या कीमत चुकानी होगी? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये मोबाइल जब में क्या? पर्स है। और क्या क्या है? बस ये क्या? और कुछ नहीं, देखो मैं ये बंदूक भी रखता हूँ अपने साथ। ओह नो, लेकिन ये बंदूक मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ठीक है, बंदूक नहीं चाहिए। और सुन, हाँ इतने से काम नहीं चलेगा, और भी कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब तो मेरे पास कुछ नहीं, अब क्या दूं मैं आपको? अरे भाई और कुछ नहीं चाहिए, 2-4 तेरे जैसे टपोरी चाहिए, तभी तो अपनी गैंग आगे बढ़ेगी ना, पावरफुल बनाएंगे। हाँ हाँ मैडम, मैं ना आपको राजू के पास लेके चलता हूँ, चलो। ये राजू कौन है? मैडम बहुत काम का आदमी है, बहुत पैसे वाला है, चलिए उसे भी हम अपनी गैंग में शामिल कर देंगे और पैसे ले लेंगे उसके पास से भी। सुन, पैसे के साथ साथ में हमें कमीना भी चाहिए, कमीनापन है उसमें? अरे वो सबसे बड़ा कमीना है, तुम देखो तो सही एक बार। ऐसे? वाह रोहन वाह, तूने तो कमाल कर दिया, एक ही दिन में धंधे की सारी उसूल सीख लिए। चलो मैडम हम चलते हैं। सुन भाई, यही है वो कमीना, यही है कमीना, देखो अभी हमारा कमाल। राजू भाई देखो कौन आया है आज। अरे कमीने, तो बोलता भी नहीं और शादी कर लिया तूने। आइए भाभी आइए। अरे क्या भाभी? एक कमीने भाभी होगी तेरी माँ। अरे मैं कोई भाभी नहीं हूँ, बोल इसको। इसे नहीं पहचानते आप? कौन है? अरे ये हमारे इलाके की सबसे बड़ी लेडी डॉन है, लाल बेगम है, लाल बेगम। ये लाल बेगम, ये तो काली दिखती है। अरे कमीने, मैं अपने तन से काली हूँ लेकिन नाम से लाल हूँ। इधर आ, इधर आ। ज्यादा बड़बड़ की ना तो 6 की 6 तेरे भेजे में उतार दूंगी और यही का यही टपका ला लूंगी। मैडम इसमें तो 8 गोली आती है। हाँ 8 गोली होती है। हाँ, वही वही वही, मैं तो जल्दबाजी में बहक गई थी, 8 की 8 उतार लूंगी। नहीं 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 मैडम, राजू नादान है, इसे माफ कर दीजिए। चल माफ किया, बच्चा समझ के छोड़ दिया। सॉरी सॉरी मैडम, एक काम करो ना, आपकी गैंग में मुझे शामिल कर दो ना। अरे हाँ हाँ मैडम कर लीजिए ना, बहुत काम का आदमी है। अरे सुन, ऐसे कैसे शामिल कर लूं? और तुझ में ऐसी क्या खास बात है कि तुझे मैं शामिल
उसके पास एक कीमती डायमंड है। हाँ हाँ, लेकिन उसका क्या? उसका 5 करोड़ रुपया देगा कौन? Oh, no. अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो बात है मैडम, वो तो बात है। अक्कल वाला है, अक्कल वाला। दिमाग वाला हूँ, दिमाग वाला। दिमाग वाला कमीना है। सोचो मत। Oh, no. सोचो मत, मैं आपको चोर बाजार में ले जाऊंगा। उधर एक संजना सराफत वाली है, उसके पास ले जाऊंगा। अच्छा, तू मुझे लेके जाएगा चोर बाजार वो संजना सराफत वाली के पास। और वहाँ जाते ही संजना सराफत वाली ने अपना इरादा बदल दिया और सराफत छोड़ दी तो राजू की जान ले लेना। क्या? Oh, no. अरे भाई, ये तो हमारा उसूल है। इस धंधे में या तो जान देनी पड़ती है या लेनी पड़ती है। और हाँ, वैसे भी मेरी गैंग में शामिल होने का एक रूल्स है। अच्छा, ये रूल्स नाम का दूसरा भी डायमंड है आपके पास? चुप, नियम है, नियम समझा इसको। हाँ, मैडम की गैंग में शामिल होने के लिए कुछ नियम बनाए गए हुए हैं। हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका जो नियम है वो सब मैं संभाल लूंगा। संभालने का नहीं है, कुछ देने का है। ये निकाल। ला, ये सब ला। ये तो आप मुझ पर लूट कर रही हो। अरे यही नियम है, मैडम जो बोलती हो सब दे दे, दे दे। ये ब्रेसलेट भी दे दे, दे दे। हाँ। Oh, no. जान के अलावा सब कुछ ले लूंगी। सच में आप लाल बेगम है या कुछ और? अरे पागल, लाल साड़ी पहनी है, लाल टीका किया हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा तेरे को? और देख, आंखें भी लाल है। आंखें लाल तो मेरी माँ की भी है। लेकिन तेरी माँ लाल बेगम नहीं है। और सुनो, तुम दोनों कान खोल के सुन लो मेरी बात। कि बिजुड़ी के कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बिजुड़ी क्या? और दूसरा डायमंड है तीसरा? भूल गई थी, मेरी माँ मुझे प्यार से भिजुड़ी बुलाती थी, लेकिन मैं लाल बेगम हूँ। हाँ, लाल बेगम के कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। चलो अब पहन लो, हाथ में ले लो, हाथ में ले ले। चलो मेरे सामने जूता पहनेगा? कोई बात नहीं। Oh, no. मैंने सुना है। हाँ? कि गांव में एक पार्टी आई है, बड़ी मालदार पार्टी है। और हमारे होते हुए इस इलाके में हमसे बड़ा कोई मालदार होना ही नहीं चाहिए। तो तुम दोनों जाओ, मारो, धमकाओ, डराओ और उसके पास से हफ्ता वसूल करो। जी मैडम। देखो मैडम, वो लोग हमको मारेंगे तो नहीं ने? अरे कमीने, तू गुंडा है या चोर है? डरता क्यों है? मैं हूँ ना इधर। और सुनो, फटाफट वहाँ से जो भी निकले लेके आ जाना। तुम लोग आ जाओ, बाद में कहाँ जाना है? वो सन्ना सराफत के वहाँ जाना है, उसकी सराफत देखनी है। जी मैडम। चलो चलो चलो। सुनो, लाल रंग की मैडम। अरे लाल रंग की नहीं, मैं लाल मैडम हूँ। लाल मैडम नहीं, अब लाल बेगम है। हाँ, वही वही लाल बेगम। हाँ बेगम, यही है वो संजना सराफत का अड्डा। अच्छा, ये तो भाई आपकी तारीफ। तारीफ तो उस खुदा की करे जिसने ये जहां बनाया। बंदी को संजना शराफत कहते हैं। फरमाइए, आप यहाँ पर क्यों आई हैं? अरे
बेगम है लाल बेगम। हाँ, इस इलाके की एक लौटी माल की लाल बेगम हो। और डॉन डॉन बड़ी डॉन। बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आप हैं लाल बेगम? ओह नो। तो कहिए बेगम साहिबा, आप यहाँ पर आई क्यों है? अच्छा, ये बातें आप जानना चाहती हम यहाँ पे क्यों आई है? सुना है तुम बहुत बड़ी खरीदार हो। मैं यहाँ अपना एक कीमती डायमंड बेचने आई हूँ, तो बोलो कितने में आप मेरे डायमंड खरीदोगी? अरे बात तो ऐसे कर रही हो जैसे आम बेचने आई हो, पहले डायमंड दिखा तो सही, बाद में पैसे वैसे की बात करना। अरे इस इलाके की मैं अकेली डॉन हूँ और मुझ पे शक करती है, बिना डायमंड लेके पैसा नहीं लेगी तू? अगर ऐसा ही रोब जमाना है ना तो मुझे नहीं खरीदना तेरे डायमंड वायमंड। लाल बेगम प्लीज मान जाइए ना, दिखा दीजिए ना डायमंड। अरे चिल्लाना बंद कर और ये ले, देख ले डायमंड। अबे बंद कर अब तेरी नौटंकी, वरना क्या कर लेगी तू? अरे तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगी। कमीनो तुम तो मेरे आदमी हो, मुझ पे क्यों बंदूक तान के खड़े हो? मेरी माँ तू कौन है? मैं लाल बेगम हूँ। कमीनो झूठ बोल के मुझे फंसा दे। एक महीने से तू हमें उल्लू बना रही थी, इसीलिए हमने ये जाल बिछा के रखी, समझी? तू कह दिया बोले। और सुन, इस इलाके की सबसे बड़ी लाल बेगम तो ये है। कितना धोखा दिया रे पापियो। अब बता, रुक जा, बता कि तू कौन है? मैं कोई लाल लाल बेगम नहीं हूँ, मैं तो काली बेगम हूँ। अरे काली बेगम, मेरा नाम यूज किया तूने, मेरा आज मैं तुझे ठोक दूंगी। नहीं 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 नहीं, अब सच बता कौन है तू? मेरा असली नाम बिजुड़ी है। बिजुड़ी? आप बिजुड़ी निकलेगी देख तू। नहीं नहीं कुछ मत निकलना, थोड़ा रेम करो, मेरी जान बख्श दो, अब कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। आप बोलो ना तो मैं आपकी सेवा करूंगी, आपकी दासी बनूंगी, आपके घर में झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, आपके घर में बर्तन साफ करूंगी, मैं आपके कुत्ते की भी लेखो सीने से लगा के रखूंगी, अपना पोता समझूंगी, और ऐसे ही नहीं आपकी सेवा करूंगी, आपका ये लिया आपका पाँव दबाऊंगी। आप बड़े दयालु हैं। एक बात सुन ले मेरी। Oh no! इस दुनिया में चाहे कितने भी शेर हो। Oh no! सुना? इस दुनिया में चाहे कितने भी शेर हो, लेकिन उस पर एक सवा शेर जरूर होता है। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज तनसुख भंडेरी उर्फी जो, हम आपके समक्ष एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो हमारे इस जी सीरीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेंद्र पंचाल और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारी इस जी सीरीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिया समानी, हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारी जी सीरीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमेश सालानी है और एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आपके सामने आए हुए हैं। जो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारी जी सीरीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हेलो मित्रों, मैं हूँ रवि चारोली, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो हमारी जी सीरीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।